और पूरा राममय है, टोटल बीजेपी। इसके अलावा कोई यहाँ रुकेगा नहीं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बड़े पैमाने पर काम करती है, जिसका परिणाम लॉन्ग टर्म में आपको दिखेगा। अखिलेश यादव अब समाप्ति की तरफ हैं। जितना बोया गया था उनके पिताजी के द्वारा काट लिए उसको। अब कुछ नहीं होना है। अभी अनाज दिया जा रहा है, खाता नहीं बेचता है और अच्छा वाला खाता है। मैंने पिछले 50 साल में ऐसा सोचा नहीं था, पिछले 10 साल से देख रहे हैं। उसकी तुलना में तो कोई है ही नहीं, मोदी के अलावा दूसरा कोई दिखता ही नहीं है चेहरा ही जिसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र, इंडिया न्यूज इन खबर पे आप सभी का स्वागत है। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और अब छठवें चरण की बारी है और पूर्वांचल के तरफ अब ये चुनाव बढ़ चुका है और पूर्वांचल की प्रयागराज लोकसभा सीट पर हम लोग पहुंच चुके हैं। कांग्रेस की झोली में यही एक सीट है इधर, जिस पर वो चाहती है कि जो दबदबा कभी हुआ करता था ये सीट अब उसके पास आ जाए। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग क्या सोचते हैं ये अभी देखिए। यहाँ की एक कचौरी की दुकान है जहाँ पे लाइन लगी हुई है। चाचा जो है कचौरी का आनंद भी ले रहे हैं। कैसा है कचौरी? बहुत बढ़िया है। चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल भी बहुत बढ़िया है। क्या लग रहा है अब? नीरज त्रिपाठी दूसरी तरफ, उज्जवल रमन और है, दोनों की टक्कर की पार्टी है। अब देखिए विकास पे लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो क्या लगता है विकास हुआ है? विकास हुआ है और बहुत ज्यादा विकास हुआ है 10-15 साल में। भाई पूरा रोड बन गई है, शिक्षा अच्छा हो गया है और हर चीज अच्छा हो रहा है। गरीबों पे ध्यान दिया जा रहा है। लड़ाई किसके में है? लड़ाई सपा पे है और भाजपा पे है। बसपा कहीं नजर नहीं आती? नहीं नहीं, बसपा और कांग्रेस नजर नहीं है। प्रत्याशी तो कांग्रेस के ही? नहीं, ठीक है कांग्रेस का है लेकिन सपोर्ट कर रहा है उनका। अरे यहाँ एक जनसभा हुई, उसमें भगदड़ मच गया। अखिलेश यादव राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरा जन समर्थन मिल रहा है और एकदम जो है इस बार प्रयागराज की सीट आ रही है। नहीं, ये तो सिर्फ माहौल बन रहा है और कुछ नहीं है। बाकी लोग दे रहे हैं विकास पे ही वोट दे रहे हैं। चलिए, क्यों चचा कैसा है माहौल? ठीक है, ठीक है। किसका पल्ला भारी है? बीजेपी। बीजेपी कैसा माहौल है यहाँ? भीषण गर्मी में जो है कचौरी का आनंद ले रहे हैं आप? बिल्कुल भाई साहब, इलाहाबाद के हैं, खाने के शौकीन हैं और पूरा राममय है, टोटल बीजेपी। इसके अलावा कोई यहाँ रुकेगा नहीं। अरे कह रहे हैं कि जो है भगवान राम के आने से क्या होगा, जो है महंगाई बेरोजगारी है। महंगाई तो हमेशा रही है भाई साहब, ये बताइए आप, कांग्रेस के समय से क्या महंगाई नहीं थी? महंगाई तो हमेशा रहती है, महंगाई को कोई कम नहीं कर पाएगा। लेकिन ये चुनाव देश का है, विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये देश का राष्ट्र का चुनाव है और इसमें सिर्फ मोदी जी चाहिए बस, और कोई नहीं चाहिए। आखिर मोदी क्यों? अरे अब आप ये सवाल पूछेंगे, विपक्ष तो पूछ रहा है ना। 370 हटा दिया, आपकी हिम्मत नहीं थी का हटा सके आप। मंदिर बनवा दिया और तीन तलाक पे काम कर दिया, ऐसे ऐसे काम कर दिए जो कभी कोई कर नहीं सकता। रोड बन गई, सड़कें बन गई, सड़कों का जाल बिछ गया। आज आदमी ट्रेन का इंतजार नहीं करता, बाई रोड जाता है हर जगह। क्या चाहते हैं? दाल और चीनी के लिए 2014 में भी गैस का सिलेंडर 900 रुपए था और आज भी हजारे रुपया है। आप कहते हैं सड़कों का जाल बिछ गया, उधर अखिलेश यादव कहते हैं कि जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसा ये लोग एक एक्सप्रेसवे नहीं बना पाए। पूर्वांचल का कहते हैं कि ये बस फीता काटे। अखिलेश यादव अब समाप्ति की तरफ है। जितना बोया गया था उनके पिताजी के द्वारा काट लिए उसको। अब कुछ नहीं होना है। अभी केंद्र में भी बीजेपी और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी, कहीं नहीं जाने वाली। धन्यवाद। चलिए यही चलता रहेगा। क्या चचा कैसा माहौल है चुनाव का? बढ़िया है, तो सेना तो एकदम टप टप टपक रहा है। गर्मी बहुत है। जाड़ की दुकान कुछ ऐसे डायरेक्शन में है कि बिल्कुल जो है धूप बहुत ज्यादा है। धूप भी ज्यादा है और चुनावी सरगर्मी भी बहुत ज्यादा ज्यादा है और बहुत बढ़िया माहौल है चुनाव का। किसके पक्ष में? हम तो भाई भाजपा के पक्ष में। क्यों? देखिए जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बड़े पैमाने पर काम करती है, जिसका परिणाम लॉन्ग टर्म में आपको दिखेगा। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर छोटी छोटी तमाम बहुत आवश्यकताएं हैं। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर काम करना शुरू करेंगे देश का विकास नहीं हो पाएगा। कोई भी पार्टी, कांग्रेस भी कर सकती है, कोई पार्टी कर सकती है, लेकिन वर्तमान में जो प्रोजेक्ट दिख रहा है, जो भविष्य दिख रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काम हो रहा है उसका परिणाम आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया दिखेगा, आई बात समझ में। इसलिए जो है झुकाव उसकी तरफ है, बाकी जैसा बनेगा भविष्य वैसा देखा जाएगा। चलिए तो देखिए ये लोगों की राय, आप तो एक ही हाथ में जो है कई कई लेके चल रही है, कैसा क्या माहौल है यहाँ, क्या माहौल है? बहुत अच्छा। महंगाई की बात करते हैं, देखिए महंगाई है, ये महंगाई है। किसी शराब की दुकान पे चले जाइए, महंगाई है। होटल में संडे को चले जाइए, जगह नहीं मिलती बैठ के खाने के लिए, महंगाई है। कहीं कोई महंगाई नहीं है, आदमी अपने हिसाब से कमा रहा है, खा रहा है। अब आप सोचो कि गरीबों को अनाज दे रहा है सरकार जितना उनको मिलना चाहिए, स्वास्थ्य की सेवाएं दे रहा है, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज है। अब किसी को ना दिखाई पड़े तो बात अलग है। विपक्ष तो ये भी कह देता है ना कि 80 करोड़ को जो है अनाज दिया जा रहा है, इसका मतलब 80 करोड़ लोग गरीब है। तो किसने बनाया गरीब, कौन राज किया? राज तो कांग्रेस ही करी ना, तभी तो गरीब है। 10 साल में गरीबी थोड़ी हटाई जाती है। जिसको अनाज दिया जा रहा है वो खाता नहीं, बेचता है और अच्छा वाला खाता है। हाँ, हकीकत है, बता रहे हैं। यहाँ का स्थानीय मुद्दा क्या है? यहाँ का तो पता नहीं, मैं तो जोधपुर से आया हुआ हूँ, जोधपुर राजस्थान, जोधपुर से हूँ। वहाँ चुनाव हो चुके हैं हमारे। मैं तो यहाँ का जो विकास हो रहा है, जो अयोध्या में हुआ है, अभी बनारस में देख के आए हैं, यहाँ भी हमने प्रयागराज में देखा है, बहुत शानदार हो रहा है। उसकी तुलना में तो कोई है ही नहीं, मोदी के अलावा दूसरा कोई दिखता ही नहीं है चेहरा ही, जिसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। कोई लगता ही नहीं है कि कोई आएगा, हमारा तो यही कहना। आपको क्या लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मोदी जी ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी बाहर से हैं? हाँ, मैं राजस्थान से है। अच्छा, तो अभी पूरा जो है बनारस और जो है प्रयाग घूम कर आ रहे हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये बहुत विकास हुआ है यहाँ का। अयोध्या गए थे, प्रयाग आए, अब बनारस जाएंगे। चलिए, 60 साल तक नहीं आए, अब वापिस आना पड़ा हमें। हाँ, यूपी देखने के लिए, नहीं तो यूपी से हमें डर लगता था कि यूपी बिहार में कैसे जाएंगे, कहाँ घूमेंगे। चोरी है, बदमाशी है, लूटपाट है, वो कुछ नहीं है यहाँ। बहुत शांत है, बहुत स्वच्छ है। इतना शानदार शहर इलाहाबाद हमने कभी नहीं देखा, जिसे प्रयागराज कह रहे हैं, बहुत शानदार है। चलिए, तो ये है लोगों की राय, और भी लोगों से जानेंगे। क्या कचौड़ी तीखा था क्या? नहीं, तीखा था। चाट की दुकान है। आप कचौड़ी कचौड़ी रट रहे, कचौड़ी नहीं है यहाँ, चाट फुल्की की दुकान है। चलिए, जो भी है उसका आनंद तो ले रहे हैं लोग। देखिए, अब ये भीषण गर्मी है, लेकिन लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, और जो है किससे पूछ ले। हाँ, तो ये मैडम लोग शर्मा जा रही है ना। क्या चाची, कैसा माहौल है? बढ़िया। अब क्या होता है, भाजपा जीत रही है और क्या। क्या है, भाजपा जीत रही है? अब हम लोग भाई देखिए, पुराने कैंडिडेट उन्हीं के हैं, चाहे जीते चाहे हारे। आनी चाहिए, केहू तो पसंद हो ना, काम धाम कुछ अच्छा लागत हुई। हम अपने मेहनत करे मिली कि उनके जीते मिली, हम तो बेचब टिकिए फूल के, जाए भाजपा जीता जाए सपा जीता। राहुल गांधी कैसा? अरे ना पूछा उनकर महिमा पार। हाथ जोड़ ले सब, राहुल गांधी ठीक है, अपने अपने जगह पे सब ठीक है। और अखिलेश यादव की जाने लू जी जी, कहाँ भिड़ा दिए आप बताइए। चलिए, तो ये यहाँ का स्थानीय मुद्दा क्या है, चुनाव कैसा जा रहा है? अरे, चुनाव तो बहुत अच्छा जा रहा है, यहाँ का नहीं, यूपी का। और सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा, जैसे अगर आप पूछे थे योगी गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स, तो देखिए ये अचीवमेंट एक, पहले ऐसा होता था कि महिलाएं खड़ी, अरे पहले इतनी गुंडागर्दी थी कि यहाँ पे आदमी खड़ा होता तो बेचारे की दुकान बंद हो गई होती है ना, खा गए होते, पैसे ही ना देते। अब यहाँ बढ़िया महिला खड़ी है, पूरे डिसिप्लिन के साथ में उसको संचालित कर रही है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। कानून व्यवस्था बेहतर है, आदमी के अंदर आत्मसम्मान आया है, आदमी इस किसी भी काम को छोटा नहीं समझ रहा है, और खूब मन से, जैसे योगी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा कि चाय बेचना भी कोई छोटा काम नहीं है, तो लोग अपना व्यवसाय, अपना काम पूरे परिवार के साथ मिलकर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन। चलिए, आपको क्या लग रहा है, कैसा चुनाव जा रहा है? भैया, पिछले 50 साल में ऐसा सोचा नहीं था, जैसे पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि ऐसा हिंदुस्तान होगा, ऐसा उत्तर प्रदेश होगा, इतना सब लोग सुरक्षित रहेंगे, इतना आगे बढ़ेंगे, इतनी इज्जत होगी पूरी दुनिया में। तो ये स्थिति बनी रहे,
यही सबको सोचना चाहिए हमारे ख्याल से, और आप समझ सकते हैं किधर जा रहा है चुनाव। आप कह रहे हैं 50 साल में आपने ये दौर नहीं देखा, उधर विपक्ष क्या देता है कि इन 10 सालों में जो है विकास की रफ्तार रुक गई, 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं, उसको उन पदों को नहीं भरा जा रहा है, पेपर लीक हो रहा है, बेवकूफ बनाते हैं पब्लिक को, भ्रमित करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। जो आज का दौर हम देख रहे हैं इतना बढ़िया कभी सोचा नहीं था ना सोच सकते। पहले भी पेपर लीक होता था, पहले खुलता नहीं था, अब समय से पकड़ लिया जाता है और उसको रोक दिया जाता है। पहले बहुत गंदे गंदे सिलेक्शन होते थे और इसीलिए आज समाज की ये स्थिति है ना। तो कह देता है अब तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, गलत आदमी के सिलेक्शन करने से अच्छा है, जड़े खोद के मट्टा डालने से अच्छा है कि सिलेक्शन ना हो। अच्छा। पहले आप डिजर्व करो तो आप आओ ना, बिल्कुल आओगे, है ना। चलिए तो देखिए प्रयागराज के स्थानीय लोगों की ये राय है। खैर कल मत पड़ने वाले हैं, और जो है प्रयागराज हो या फूलपुर, ये दो लोकसभा सीटें जो आसपास की पड़ती हैं, और अब यहाँ पे 29 प्रत्याशी हैं इन दोनों लोकसभा सीटों पर, तो इन दोनों लोकसभा सीटों पर 29 प्रत्याशियों की किस्मत कल मतपेटी में बंद हो जाएगी। 4 जून को नतीजे आएंगे, देखना होगा कि कौन यहाँ पर बाजी मारता है। खैर आप लोगों की क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। हेलो, हाँ।